नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से सांसद सुशील गुप्ता जी। उनसे जानेंगे कि किस तरीके की राजनीति है जो चल रही है इस वक्त। तो हमारे साथ जुड़े हैं सर, स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल जी। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले आपने आपके राजनीतिक जो करियर है उसके बारे में बताया, फिर हम आपसे जानेंगे कि अब जो राजनीति चल रही है वो उसको आप किस तरीके से देखिए। देखिए, देश के अंदर समाज सेवा के लिए राजनीति का स्थान बना था, परंतु आज मैं देख रहा हूँ कि नफरत की, धर्म की, जाति की राजनीति हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा हो रही है, काम की राजनीति नहीं हो रही। जिस प्रकार दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों के काम किए और अपने चुनाव में ये कहा कि यदि मैंने काम किए तो वोट दें, अन्यथा ना दें, और जनता ने जो बढ़िया स्कूल अरविंद जी ने बनाए, बढ़िया हॉस्पिटल बनाए, 24 घंटे सस्ती और फ्री बिजली व पानी दिया, अनेकों ऐसे काम किए, तो दिल्ली में आमूलचूल परिवर्तन किया, पूरे हिंदुस्तान आज दिल्ली मॉडल की डिमांड कर रहा है। इसके विपरीत अगर मैं हरियाणा की बात करता हूँ, पिछले 6 साल में यहाँ पे कोई नया उद्योग नहीं लगा। 4-5 दफ़ा ऐसे आंदोलन हो चुके कि कानून व्यवस्था इतनी ख़राब हुई, लोगों को वापस कहीं ना कहीं माइग्रेशन की बात सोचनी पड़ी। आज देश के अंदर 20 करोड़ नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। देश का सारा किसान पिछले 9 महीने से आंदोलन पे है और 4 महीने से हरियाणा में चारों तरफ दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है। MSP की बात लेके, तीनों काले कानूनों के खात्मे को लेके हर रोज़ अखबारों में हरियाणा में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की खबरें, बलात्कार तक की खबरें सुर्खियों के अंदर छपती हैं। दुकानों के ऊपर लोगों को लूट लिया जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर मनोहर लाल जी एक ईमानदारी का ढोंग रचते हैं, उनकी आंख के नीचे सारे घोटाले होते हैं। 200 करोड़ रुपए का घोटाला बिना काम किए हुए बिल बनाने का फरीदाबाद नगर निगम के अंदर हुआ, मुख्यमंत्री तक उनकी जानकारी है। लोगों ने अखबारों में आने के बाद फाइल जलाने की कोशिश करी, निगम के ऑफिस में आग लगाने की कोशिश की, परंतु एक जांच कमेटी बना के लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा किया गया है। अगर वो सच्चे हैं और अपने आप को पब्लिक के देश समझते हैं तो ये इन अपराधियों को जेल के पीछे पहुंचाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, शहरी विकास मंत्रालय और हरियाणा सरकार तीनों बात करते हैं जहाँ झुकी वहाँ मकान की, परंतु खोरी गाँव के अंदर 50,000 की आबादी को बिना पुनर्वास की व्यवस्था किए हुए सड़कों पर छोड़ दिया जाता है कि भगवान के भरोसे तुम रहो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब तोड़ दिए जाते हैं। बहुत बुरी स्थिति आज फरीदाबाद के अंदर देखने को मिल रही है। गरीब व्यक्ति जाए तो कहाँ जाए। अगर बात करें कृषि कानूनों की, जो किसानों पर उनका कहने के ऊपर थोपे गए हैं, तो इस बारे में आप बताइए। हमने अभी 4 तारीख को किसान महापंचायत का आयोजन जींद के अंदर किया था। कई हजार व्यक्ति वहाँ पर आए थे, किसानों ने भाग लिया था। प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया गया था कि तीनों काले कानूनों को वापस कराएं और किसानों को MSP की गारंटी दें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था जो किसानों के आंदोलन में उनका साथ दे रहा है, जो देश के अन्नदाता के साथ है वो असली देशभक्त है, और जो किसानों के खिलाफ है वो देश का गद्दार है। आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने के लिए चुनाव लड़ती है। जिस प्रकार दिल्ली में हमने व्यवस्था बदली है, ऐसे हरियाणा में भी व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। जो दिल्ली का मॉडल है वो हरियाणा के अंदर भी आएगा। हरियाणा के अंदर हम सब पंचायत स्तर के, लोकल बॉडीज के, विधानसभा के सभी चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पे व्यवस्था परिवर्तन का काम करेंगे।